आजकल जो है मीडिया और दीगर मकामात पर औरत जो है वो इद्दत को छोड़ने के लिए हीले बहाने तलाश करती है और माज अल्लाह इद्दत का खूब मजाक उड़ाया जाता है। यहां तक भी कह दिया जाता है कि ये मौलवियों के धंधे हैं, माज अल्लाह इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। इस मामले में शराई रहनुमाई फरमाइए। जवाब समात फरमाए, औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए और वो हमल से न हो तो उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन है। इसी तरह अगर किसी औरत को उसके शोहर ने तलाक दी तो याद रखिएगा कि तलाक की इद्दत ये 3 हैज यानी 3 माह है। और जो माज़ल्ला ये कहते हैं कि ये मौलवियों के धंधे, मौलवियों के बनाए हुए कानून हैं, वो माज़ल्ला कुरान मजीद फुरकान हमीद का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि इद्दत का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा आयत नंबर 234 में इरशाद फरमाया, रब्बे करीम फरमाते और तुम में जो मरे और बीबियां छोड़े और वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत से इद्दत का गुजारना साबित होता है। और अगर कोई शख्स या कोई औरत या मीडिया पर कुछ लोग अगर इसका मजाक उड़ाते तो वो हकीकत में कुरान मजीद फुरकान हमीद का मजाक उड़ा रहे। और मसला ये भी सुन लीजिए कि औरत को इद्दत छोड़ने की किसी सूरत भी इजाजत नहीं। शोहर के इंतकाल होने के दूसरे लम्हे औरत की इद्दत शुरू हो जाती है। शोहर के तलाक देने के बाद दूसरे लम्हे में औरत की इद्दत शुरू हो जाती है। और ये भी बात जहन में रहे कि अगर इस्लामी महीने की पहली या आखिरी तारीख को शोहर का इंतकाल हुआ तो 4 माह 10 दिन पूरे करने के, मुकम्मल 4 माह गुजारे। ये महीने चाहे 29 के हों या 30 के, और फिर मजीद 10 दिन। और अगर औरत के शोहर का इंतकाल महीने के दरमियान में हुआ तो औरत पूरे 130 दिन ये इद्दत गुजारेगी। वल्लाहु तआला आलम व रसूलुहु आलम। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि आज के इस जदीद दौर में इंटरनेट मालूमात हासिल करने का आसान जरिया, इंटरनेट एक सरकश बेलगाम घोड़े की मानिंद है जिस पर जो चाहे जैसी चाहे मालूमात डाल सकता है, चाहे उससे करोड़ों लोगों की दिल आजारी होती हो, लेकिन सहयोगी ताकतों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है जिसका हदफ खास तौर पर इस्लाम, मुसलमान और सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का जेर उगलना सरे फहरिस्त है। लिहाजा इन दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला करने के लिए तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमानों से मैं दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर इस जिहाद में हिस्सेदार बने और दिए गए लिंक्स ट्विटर और गूगल प्लस को फॉलो करके लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। और फेसबुक का जो पेज है मौलाना शहजाद तुराबी, उस पर अपने रिव्यू दें और पेज को लाइक एंड शेयर करें और पोस्ट को लोगों तक पहुंचाएं। और यूट्यूब के चैनल शहजाद तुराबी को सब्सक्राइब करें और लोगों में अल्लाह तबारक व ताला की रिजा की खातिर दीन का पैगाम वीडियो के जरिए आम करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।